सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं बृजेश तिवारी सभी का किसान की खोज चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको दिखा रहा हूं जेके फार्मिंग से एंड कैटल ब्रीडिंग से। तो ये जर्सी गाय के बच्चे हैं और सर बता रहे हैं कि आपको कैसे क्या है। तो सर, डिटेल थोड़ा सा बताएं प्लीज़। देखो, काप को हम कैसे बड़े करते हैं वो आपको बताऊँगा। बेसिकली हम इनको बॉर्न होते जी तो उसको 6 टाइम गाय का जो खीरा होता है जो बोलते हैं आप जी तो गाय का दूध जी हम मैक्सिमम पिलाते हैं जी। उसकी जितनी मर्जी उतना पिलाते हैं, ऐसा नहीं कि 2 लीटर 3 लीटर जी पिलाओ दबा और जैसे ही बॉर्न होता है उसको तो दबा के पिलाओ जी। उससे फायदा ये होता है कि जब ये दबा के पीता है तो उसको प्रेशर से उसके पेट में जो बगाड़ होता है ना जी वो निकल जाता है और वो निकलना बहुत जरूरी है जी। तो मैक्सिमम 3 दिन पिलाते हैं, बाद में उसको हम वैसे तो बॉर्न होने के बाद ही हम उनको उनके अलग एरिया में रख देते हैं, गाय के साथ नहीं रखते जी। बाद में हम उसको एक उसके वेट के अनुसार वेट का 10% मिल्क पिलाते हैं सुबह और शाम जी मिला के। अगर आप 3 बार पिलाना चाहो तो बहुत बेस्ट है जी। कहने का मतलब उसको बार बार पिलाओ, उनको खिलाओ थोड़ो, उनको बच्चे की तरह रखो, कहने का मतलब जी। जैसे आप समझो कि उनका वेट 50 किलो है जी, तो इनको दिन का 5 लीटर दूध चाहिए जी। 5 लीटर चाहिए तो 5 लीटर आप पकड़ो, 5 लीटर कितना होगा, 2.5 सुबह 2.5 मॉर्निंग जी। या आप 5 को 3 डिवाइड बाय 3 भी कर सकते हो। ओके, राइट। और बस हमको जमा के दूध पिलाते हैं और 5-10 दिन 15 दिन के बाद उनका काफ स्टार्टर रहता है वो यहीं पे रख देते हैं उनके सामने जी, पानी जी। और काफ स्टार्टर बस वो खाती है। जिस दिन वो काफ स्टार्टर खाना अच्छा चालू कर देती है 500, 100, 200, 300 ग्राम तो तब से दूध कम कर सकते हो आप करना है जी। लेकिन हम नहीं करते, हम उनको पिलाते क्योंकि हमको वही से ही हमारे लिए तो यही पैसा है जी। सही बोल दो, क्योंकि हम ब्रीडिंग में काम करते तो यही हमको आगे जाके यही नस्ल हमारा फार्म का चेंज करेगी जी। तो ऐसे हम बच्चे बड़े करते हैं। ये अभी करीबन ये 5 महीने की हीपर्स काप है। ये दोनों 5-5 महीने के हैं सर। 5-10 दिन डिफरेंस है दोनों में। दस ये छोटी है, ये बड़ी है 5-10 दिन जी। इनका दोनों का वेट 150 किलो के ऊपर है। 150 किलो हाँ। और जर्सी गाय का वेट मैक्सिमम 450 किलो ही होता है जी। 300 किलो पे हम इसको हम AI कर सकते हैं। 247 किलो पे AI कर सकते हो आप जी। लेकिन आप अभी नया जो डेटा है वो 300 किलो पे करना चाहिए। अच्छा बॉडी वेट गेन करके AI करोगे जी, तो आपको अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके, कम एज में AI नहीं करना चाहिए आपको जी। एज पे आए ना आए लेकिन आपको बॉडी वेट करके ही AI करना चाहिए, उससे उसको प्रॉब्लम होती नहीं है जी। और उसकी भी एक जो कैपेसिटी है उसके जो वेट गेन करने की वो पूरी हो जाती है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन ये नस्ल की जर्सी हाइफर हैं। और आप इनकी छोटे छोटे कान, इनका आप मुखड़ा देखें, इनका बॉडी स्ट्रक्चर देखें। तो सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया है कि कैसे आपको डेवलपमेंट करना है। और सर, जैसे जो लोग डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करते हैं तो उनको गायों से स्टार्ट करना चाहिए या बच्चों से, या कैसे, आप थोड़ा सा सजेशन। देखो, अगर दोनों कर सकते हो जी, लेकिन मेरी ये सोच है कि बच्चों से भी कर सकते हो, लेकिन बच्चों कहाँ से लाएंगे, सो बेसिकली वो कहाँ से आपको अच्छे मिलेंगे जी। तो आप बच्चे से करना चाहते हो, आप एक गाय लो जी, गाय लेके उसमें अच्छी ब्रीडिंग करके उसके बच्चे को आप बड़ा करो जी। ज़्यादातर डेयरी फार्म में काप को बड़ा नहीं करते हैं, वो गाय के पीछे ही रहते हैं, ऐसा नहीं। अगर ब्रीडिंग पे काम करना है, दूध में काम करना है, तो आपको कंपलसरी काप को बड़ा करना पड़ेगा अच्छी तरह जी, और वही आपके लिए अच्छा रहेगा जी। तो और सर, जो नेक्स्ट उसमें हाइफर हैं, ये कितनी एज है? और ये अभी समझो 19 मंथ 24 मंथ की एज है, ये 19 से 24 की एज है ये जी, 19 to 24 months और नियर कालिंग है ये। ओके, 4 महीना लेगी, 3 से 4 महीना लेगी अब। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ब्रिड की ये जर्सी गाय हैं। और आप इनकी हर क्वालिटी देखें, इनका ऑर्डर डेवलपमेंट चालू हो गया है, स्टार्ट हो गया है। और ये 3-4 महीने बाद इनका जो दूध आएगा पूरे लैक्टेशन का सर आपको बताएंगे। सर का चैनल भी है जेके, सर जेके फार्मिंग एंड कैटल ब्रीडिंग। मेरे चैनल में तो सिर्फ मेरी नॉलेज का ही वीडियो मिलता है, जो मेरे पास नॉलेज है वही मैं शेयर करता हूँ जी। ज़्यादा नहीं करता हूँ, वो तो सिर्फ अवेयरनेस के लिए ही हम डालते हैं। तो सर के चैनल में आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं।
और सर जो भी बात आपको बताएंगे पूरा नॉलेज वाली होगी और जेन्युइन बात बताएंगे, आपको कोई इधर उधर की बात नहीं बताएंगे, जिससे किसानों को अधिक से अधिक फ़ायदा हो। और आप सर के चैनल से बहुत कुछ सीखें, मैं सभी से ये कहूँगा। और जो भी आप हेल्प लेना चाहें तो आप सर से ले सकते हैं, सर को आप टाइमली फ़ोन करके एक आध बार, परेशान ना करें, एक आध बार फ़ोन कर लें और जो भी अपने पॉइंट हों आप उनसे बात कर सकते हैं। तो सर और कोई सजेशन देना चाहेंगे आप? बस अच्छी फार्मिंग, अच्छी ब्रीडिंग करनी है आपको तो एक ही ध्यान रखना है आपको, कि आपको काप को बड़ा करना पड़ेगा जी। सिर्फ गाय के पीछे नहीं भागना है, गाय तो एक ही बार लानी होती है जी, जी दिलानी है, बाद में उसको बच्चे को ही बड़ा करो और उसमें से आप दूध निकालो ब्रीडिंग करके, तभी आपका डेयरी में प्रोग्रेस हो पाएगा जी, जी। वरना बार बार काय लेने जाओगे तो फिर आप समझो कि आपसे दूध भी नहीं बढ़ेगा और पैसा भी हम किसी को और दे रहे हैं। और देखो हम बड़ा करते हैं तो एक अलग तरीके से ही एनिमल मीन्स के बच्चा बड़ा होता है। आप देख लो जैसे ये मेरी खुद ने मेरी सब मैंने बना बड़ा किया है, मेरा खाया हुआ है दाना या जो मेरा हरा ग्रीन पाउडर जी। अब इसका देखो आप इसका बनावट देखो भी अभी जी जी 8 महीना एज है और कैसी बनी हुई है जी जी। तो बेसिकली वही चीज़ है। तो सर ने देखो पानी का सिस्टम भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है, आप लोगों ने कई जगह देखा होगा चैनलों में, सर ने पूरा 3 जगह ये पूरा स्टॉल कर रखा है और टाइमली वो पानी पी सकें तो फ्रीली घूम सके, पानी और खाना उनको फ्रीली चाहिए, फ्री माइंड रहना चाहिए। तो सर ने ऐसा सिस्टम पूरा बना रखा है। और सर का मैं जो मिल्किंग का पार्लर है वो भी दिखाऊंगा कि उन्होंने कैसे पार्लर बना रखा है। तो सर थोड़ा सा पार्लर के बारे में बताएं। हाँ जी,